चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो पहले सवाल के साथ। हमारा पहला सवाल है कि आम बजट 2020-21 के तहत कितनी वार्षिक आय तक इनकम टैक्स माफ कर दिया गया है, और इसका सही जवाब है 5 लाख रुपए। जी हाँ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट 2020 में 5 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर आयकर छूट की घोषणा की गई है। इसके अतिरिक्त 5 से 7.5 लाख रुपए की वार्षिक आय पर 10% आयकर और 10 से 12.5 लाख की वार्षिक आय पर 20% इनकम टैक्स लगाने की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि नई कर व्यवस्था करदाताओं के लिए वैकल्पिक होगी, यानी कि इससे पहले वाली कर व्यवस्था और ये नई कर व्यवस्था में से दाता अपना ऑप्शन चुन सकते हैं, चाहे तो वो पहले वाले को कंटिन्यू रख सकते हैं या फिर ये नया स्लैब अपना सकते हैं। अगला सवाल है, लोकसभा में 1 फरवरी 2020 को पेश किए गए बजट के तहत लद्दाख में विकास कार्यों के लिए कितना बजट आवंटित किए जाने की घोषणा की गई है, और इसका सही जवाब है 5,958 करोड़ रुपए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विकास के लिए विशेष कदम उठा रही है। हाल में गठित संघ राज्यों के लिए 2020-21 में 30,775 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव है। सरकार की ओर से लद्दाख के लिए 5,958 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की गई है। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। बजट 2020 में भारत में मौजूदा कितने पौराणिक स्थलों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किए जाने की बात कही गई है, और इसका सही जवाब है 5। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा है कि पर्यटन विकास के क्षेत्र में 2500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। भारत में 5 पौराणिक संस्थानों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की भी घोषणा की गई है, और ये 5 स्थान कौन कौन से हैं ये भी जानिए। हस्तिनापुर जो कि यूपी में आता है, शिवसागर असम, धौलावीरा जो गुजरात में है, अदिचेलेमूर तमिलनाडु, राखीगढ़ी हरियाणा। इसके अतिरिक्त रांची में ट्राइबल म्यूजियम के निर्माण की भी घोषणा की गई है। अब हमारा अगला सवाल, बजट 2020 में महिला बाल विकास क्षेत्र में पोषण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, और इसका सही जवाब है 35,000 करोड़ रुपए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट 2020 के अनुसार पोषण हेतु 35,600 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किए जाने की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पोषण का स्तर बढ़ाने के लिए पोषण अभियान आरंभ किया गया था। इसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए पोषण संबंधी नीतियों को नए स्तर पर ले जाया जाएगा। दोस्तों इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि ये बजट भाषण अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण रहा है। अब अगला सवाल लेते हैं, केंद्र सरकार द्वारा बजट 2020 में क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है, और इसका सही जवाब है 8,000 करोड़ रुपए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए 8,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जा रहे हैं। भारत इस क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा देश है। उन्होंने अपने बजट भाषण में बताया कि देश में एक डाटा सेंटर पार्क बनाया जाएगा। इसमें प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी महत्वपूर्ण होगी, साथ ही सभी ग्राम पंचायतों को भारत नेट फाइबर केबल से भी जोड़ा जाएगा। दोस्तों अब अगला सवाल देखते हैं, वित्त मंत्री के बजट भाषण के अनुसार किस वर्ष तक भारत को टीबी मुक्त बनाने की घोषणा की गई है। जी हाँ, ये सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा कदम होने वाला है और बहुत ही फायदेमंद, और इसका सही जवाब है 2025। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020 के अपने संबोधन में कहा कि भारत में टीबी के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। ये अभियान टीबी हारेगा देश जीतेगा के नाम से शुरू किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार की ओर से देश को 2025 तक टीबी मुक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। देश में चलाई जा रही अलग अलग स्वास्थ्य योजनाओं के लिए लगभग 70,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है, यानी देश को 5 सालों में टीबी से मुक्ति दिलाने की बात कही गई है, और ये अपने आप में ही बड़ी घोषणा है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, बजट 2020 में शिक्षा क्षेत्र के लिए कितने रुपए की राशि आवंटित की गई है, और इसका सही जवाब है 99,300 करोड़ रुपए। बजट 2020 में 99,300 करोड़ रुपए शिक्षा के लिए आवंटित किए गए हैं। इनमें से 3,000 करोड़ स्किल डेवलपमेंट पर खर्च किया जाएगा। साल 2020 के बजट भाषण के अनुसार देश में फोरेंसिक यूनिवर्सिटी और पुलिस यूनिवर्सिटी भी बनाई जाएगी, साथ ही जिला स्तर पर विशेष मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। समाज के वंचित क्षेत्र के बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा मुहैया कराई जाएगी। नई शिक्षा नीति की घोषणा की जाएगी।
बता दें कि सरकार ने इस बजट में शिक्षा क्षेत्र पर बहुत ही फोकस करने की बात कही है। अब अगला सवाल, बजट 2020 के भाषण में वित्त मंत्री द्वारा किसानों को अपनी फसल जल्द से जल्द बाजार में पहुंचाने के लिए किस नाम से नई योजना आरंभ किए जाने की घोषणा की गई है, और इसका सही जवाब है कृषि उड़ान योजना। जी हाँ दोस्तों, इस बार के बजट में ये बेहद ही खास योजना है, बहुत ही खास कदम है जो कि किसानों के लिए उठाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा है कि कृषि उड़ान योजना को शुरू किया जाएगा। बजट भाषण के अनुसार इस योजना को इंटरनेशनल और नेशनल रूट्स पर शुरू किया जाएगा। इसके अलावा महिला किसानों के लिए भी बात कही गई है, उनके लिए भी तोहफा है, वो ये कि उनके लिए धन्य लक्ष्मी योजना की घोषणा की गई है। इसके तहत बीज से जुड़ी योजनाओं में महिलाओं को मुख्य रूप से जोड़ा जाएगा। दोस्तों जब महिलाओं की बात हो रही है तो यहाँ एक इन्फॉर्मेशन हम आपको ये भी दे देते हैं कि निर्मला सीतारमण लगातार दूसरी बार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री हैं। अगला सवाल है, बजट 2020 के अनुसार कितने लंबे ट्रेन रूट को इलेक्ट्रॉनिक बनाए जाने की घोषणा की गई है, और इसका सही जवाब है 24,000 किलोमीटर। इस बार के बजट में रेलवे के लिए ये एक बड़ी घोषणा है। बजट 2020 के अनुसार 24,000 किलोमीटर ट्रेन रूट को इलेक्ट्रॉनिक बनाया जाएगा। तेजस ट्रेन की संख्या को बढ़ाया जाएगा। मुंबई अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन के काम में तेजी लाई जाएगी। जल विकास मार्ग को बढ़ाया जाएगा। इस मार्ग को असम तक बढ़ाने की योजना है। ट्रांसपोर्ट में 1.70 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया जाएगा। अब अगला सवाल, बजट 2020 के अनुसार किस संस्थान में सरकार के एक हिस्से को बेचे जाने की घोषणा की गई है, और इसका सही जवाब है दोस्तों LIC। जी हाँ, इस बार के बजट की बड़ी खबरों में से एक खबर यही है कि निर्मला सीतारमण द्वारा बजट 2020 के भाषण में कहा गया है कि LIC के एक हिस्से को IPO के माध्यम से बेचा जाएगा। फिलहाल भारतीय जीवन बीमा निगम में सरकार की 100% हिस्सेदारी है। इससे पहले नवंबर में भी भारतीय जीवन बीमा निगम ने कहा था कि उसकी योजनाओं को कम लाभ के साथ फिर से शुरू किया जाएगा, जिससे उनके प्रीमियम में वृद्धि हो सकती है। तो दोस्तों ये थी बजट से जुड़ी कुछ खास बातें, लेकिन एक बात और हम आपको बता देते हैं कि सीतारमण ने ये बताया है कि इस साल का बजट 3 थीम को ध्यान में रखकर बनाया गया है। जी हाँ, ये बजट 3 थीम पर खड़ा है, जो कि है एस्पिरेशनल इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर ऑल और केयरिंग सोसाइटी।